फ्रेंड, माय नेम इज़ जैसन अली और आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम ट्वीट्स को इम्पैक्ट करके हम यहां पर अपने ब्लॉग पर यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने यहां पर यूज़ किया हुआ है। ट्वीट्स को इम्पैक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आना पड़ेगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद सेकंड पे आपको ट्विटर की अपनी प्रोफाइल पे आने के बाद यहाँ पर लिंक कॉपी करना होगा। लिंक कॉपी करने के बाद यहाँ पर दोबारा वेबसाइट पर आना है। वेबसाइट पर आकर यहाँ पर जो लिंक है ये पेस्ट कर देना है। लिंक पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो एरो का निशान है यहाँ पर आपने क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक ट्विटर बटन का और एम्बेड टाइमलाइन का। अगर आप ट्विटर का सिर्फ और सिर्फ बटन ऐड करना चाहते हैं तो बटन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वरना अगर इस तरह आप टाइमलाइन यूज़ करना चाहते हैं कि आप कोई भी ट्वीट करें तो यहाँ पर आ जाए, तो उसके लिए एम्बेड ट्वीट टाइमलाइन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉपी कोड पर क्लिक करेंगे। कोड कॉपी करने के बाद फिर आपने आना है अपने ब्लॉगर में, तो यहाँ पर एडिट अ गैजेट का ऑप्शन है। यहाँ पर आने के बाद HTML JavaScript यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर रिफ्रेश करना है अपने ब्लॉगर को। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्वीट्स इम्बेड होकर आ जाएंगे। ये देखें जो मैंने न्यू ऐड किया है इम्बेड होकर आ गया। अब इसका प्रॉब्लम यह है कि इसने साइड बार में पूरा पेज को ले लिया है, तो इसको मैं हाइट और वेट जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। उसके लिए मुझे दोबारा जाना पड़ेगा लेआउट में और यहाँ पर कोडिंग में। कोडिंग में जाकर यहाँ पर ट्वीट्स बाय यहाँ पर जो हसन अली लिखा हुआ है इसके यहाँ पर मैंने लिखूँगा डाटा वेट डेटा वेट इक्वल है 100%। उसके बाद डेटा हाइट को लिखूंगा, वो भी मैं 70 लिख देता हूँ। डेटा हाइट 500 कर देता हूँ। 500 उसके बाद मैं इसको सेव कर दूंगा। सेव करने के बाद जब दोबारा अपने ब्लॉगर को रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर एम्बेड हो जाएंगे। ये देखें अब ट्वीट्स जो है एम्बेड हो गया, इन्होंने पूरा पेज को नहीं लिया साइड बार को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।